हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली जो लोग रेड लिस्ट कंट्री से न्यू वर्क वीजा लेके कतर में आ रहे हैं उन लोगों के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे आज को मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला है उसका प्रूफ भी मैं वीडियो का लास्ट में दिखा दूंगा। तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता था कि 12th ऑफ जुलाई के बाद से यहाँ पे क्वारंटाइन रूल और ट्रैवल पॉलिसी में बार बार यहाँ पे चेंजेस लाया गया। 12 टू 15 के अंदर यहाँ पे टोटल 3 टाइम्स यहाँ पे चेंजेस लाया गया है, जिसमें लेटेस्ट अपडेटेड पॉलिसी का अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि वर्क वीजा वाले लोगों भी यहाँ पे विदाउट वैक्सीनेशन कतर में एंट्री नहीं है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मेल भी रिसीव हुआ है कि उन लोगों का पास टोटल सब कुछ रहने के बावजूद भी उन लोगों को एयरपोर्ट से बोर्डिंग नहीं करने दिया। हालांकि उन लोगों के पास एक्सेप्शनल एंट्री परमिट, क्वारंटाइन बुकिंग पेपर, वैलिड वीजा, वैलिड टिकट सब कुछ रहने के बावजूद भी उन लोगों को रिटर्न कर दिया गया है क्योंकि उन लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस रूल के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे फिर से चेंजेस लाया गया है, जो कि कल को ही यहाँ पे लेटेस्ट चेंजेस यहाँ पे लाया गया है। जो न्यूज अभी तक कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ है, जो न्यूज मुझे वहां पे कॉल करने से पता चला है, जिसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी कल को ही जो लेटेस्ट न्यूज पब्लिश हुआ है उस न्यूज के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि जितने सारे लोग काम करने के लिए फर्स्ट टाइम, चाहे कि आप लोग कोई भी वीजा में हो, वर्क वीजा में हो, वर्क मल्टी एंट्री वीजा में हो, अगर आप लोग कतर में आ रहे हैं तो आप लोग को वैक्सीनेटेड होना मैंडेटरी नहीं है। आप लोग अगर सिंगल डोज भी लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग अगर कोई भी डोज नहीं लेते हैं तो भी आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर आने से पहले जितने सारे नॉन आईडी होल्डर लोग हैं उन सारे लोगों को यहाँ पे एट्रास में प्री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो वहां से भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला था। अप्रूवल नहीं मिलने से आप लोगों को क्या होगा, ट्रैवल टिकट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिससे आप लोग बोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अभी हुकुमी से ये बता दिया गया है, हुकुमी का लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यहाँ पे बता दिया गया है, अगर आप लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं भी होते और अगर आप लोग काम करने के लिए कोई भी कंपनी में यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे कतर में आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे विदाउट वैक्सीनेशन भी यहाँ पे आ सकते हैं। शर्त यही है कि आप लोग को यहाँ पे आने के बाद 10 दिन का होटल या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन करना मैंडेटरी होगा। ओके, तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग अभी तक टेंशन में थे, मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, मेरा वीजा रेडी हो गया है, मेरा एक्सेप्शनल एंट्री परमिट आ गया है, मेरा होटल भी बुकिंग हो जा रहा है, मगर यहाँ पे मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, अभी 2-4 दिन के अंदर मेरा फ्लाइट है, मैं कैसे कतर में फ्लाई करूँ क्योंकि विदाउट वैक्सीनेशन तो यहाँ पे बोर्डिंग करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए सारा टेंशन खत्म हो गया है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला है, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी टाइप का वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेना है तो MOPH में कॉल मत कीजिए, आप लोग MOI में या तो फिर हुकुमी में कॉल कीजिए 109 में। यहाँ पे मैं कतर में रहता हूँ इसीलिए मैं हुकुमी में डेली कॉल करते रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा साथ बात हुआ हुकुमी में, हिंदी में ही बात हुआ, मैं आप लोगों को छोटा करके सुना देता हूँ वर्क वीजा रिलेटेड यहाँ पे क्या बात बताया गया। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फर्स्ट में जो नाम है हुकुमी में कॉल किया था, और हुकुमी में मैं आज को शाम को 6 बजे यहाँ पे कॉल किया था। तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा लंबा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट पॉइंट में लेकर चलता हूँ जहाँ पे वो बता रहा है कि न्यू वर्क वीजा वाले लोगों के लिए कल को ही यहाँ पे क्या न्यू अपडेट आया है। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कि जो लोग नया वर्क वीजा लेके यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये छूट दिया गया है। पहले ये छूट नहीं था, कल को ही नया अपडेट आया है जिसमें बताया गया कि वर्क वीजा वाले लोग भी यहाँ पे विदाउट वैक्सीन लेके एंटर कर सकते हैं, शर्त एक ही है कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा मेरे पास RT-PCR टेस्ट, विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा को लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाकर कल को बता दूंगा आप लोगों को, उसमें भी आप लोगों को टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। आज का सबसे बड़ा गुड न्यूज मुझे आज को आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अभी तक अगर आप लोग चैनल को विदाउट सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कतर के बारे में ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।